परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें आशीष दी, आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यों, आज सभी लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदा ने आपको सांसें दी, आपको जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी। आज खुदा आपके जीवन में हर एक काम को आसान करने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्यों, खुदा आज हमसे बहुत प्यार करता है। आज जितने सारे मसीह भाई बहन हैं, आज जो प्रार्थना करते हैं, वचन को सुनते हैं और उसके वचन पे चलते हैं, खुदा उसको जीवन में आशीष देता है। उसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे पास आओ। यदि आज हम उस परमेश्वर के पास आते हैं तो खुदा हमें आशीष देता है। खुदा हमें बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमारे जीवन की देख रेख करने वाला हमारा परमेश्वर है। आज हमारी हर घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब आप पढ़ेंगे रोमियो पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर लिखा हुआ है 11 में, यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन के सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। क्या आज परमेश्वर के सामने लाखों करोड़ों लोग, आज कोई गिनती नहीं है कितने लोग परमेश्वर के सामने घुटने को टेकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्यों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हर एक इंसान का घुटना परमेश्वर के सामने टिकेगा, आज झुकेगा और हर एक जीव प्रभु यीशु मसीह को यानी परमेश्वर को ग्रहण करेगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, आज हमारे जीवन में बहुत सारी बुराइयां हैं लेकिन फिर भी हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। आज हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं लेकिन फिर भी हम उसे दूर करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा सब कुछ चलता रहे लेकिन परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम भी करता रहे, करेगा। लेकिन आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया, आज जितने लोग आज ये मन में सोच रहे हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन में काम करने पाए, तो खुदा आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्यों, परमेश्वर आज आपके जीवन को, आपके घर के, आपके बच्चों के जीवन को देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्यों, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने भाई पर दोष मत लगाओ। आज हमारा भाई कौन है? आप ये कहेंगे कि हमारे घर में जो है, हमारे माँ के जो जितनी संतानें हैं, हम सब मसीह भाई बहन हैं। नहीं मेरे प्यों, आप तो हैं, लेकिन आज जो सृष्टि के सारे लोग हैं वो सब आपके भाई बहन हैं, आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं, आपके हर एक चीज जिस नजरिए से आप देखते हैं उस नजरिए से आपके हर एक चीज प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, परमेश्वर यहाँ पे ये नहीं सिखाता है। परमेश्वर ने कहा था, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी आशंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। जैसे कोई व्यक्ति होता है, किसी के अंदर किसी प्रकार की आशंका है, तो हमें उससे विवाद नहीं करना है। पहले हमें परमेश्वर के वचन का सुसमाचार उसको बताना है, उसके बाद उसके मन में जो विचार आते हैं तब उस पे आपको बात विवाद करना है, तब उस पे आपको बातें करना है, क्योंकि जिसने जो कुछ सीखा है वही तो बताएगा। आज आप परमेश्वर के वचन को सीखते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को बताएंगे, और किसी धर्म में कोई व्यक्ति और कुछ सीखता है वो आपको बताएगा। लेकिन सच्चा खुदा आज हमारा परमेश्वर आज हमें जीवन दिया है, आज हमें आशीषें दी हैं, आपको परमेश्वर ने श्वासें दी हैं, जो आज सुबह के टाइम प्रार्थना को सुन पा रहे हैं। आपकी जिंदगी में यदि परमेश्वर ने काम किया है, आपको आशीष दी है, आपकी घटी कमी को पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो आज क्यों नहीं हमारा खुदा हमारी जिंदगी में काम करेगा।
करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ जाने और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। आज बहुत सारे लोग हैं दोष लगाते हैं कि आप ये क्या खा रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप भले ही आपको ज्ञान दें लेकिन खुद करते हो वो बात अलग है, लेकिन दूसरा इंसान आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करेगा। जो आपके साथ रहेगा या आप परमेश्वर के वचन पे हैं, तो आपके साथ बहुत कुछ भेदभाव किया जाएगा कि आप इसे मानते हैं, आप ये करते हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। लेकिन परमेश्वर में आने के बाद कोई रीति रिवाज नहीं होती है, क्योंकि सच्चे खुदा के पास आप हैं, उस परमेश्वर के पास हैं जिसने संसार की रचना की, सृष्टि की रचना की, हमारे पापों के लिए अपना इकलौता पुत्र परमेश्वर ने दे दिया, ताकि जो कोई ईश्वर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा। तो आज हमारे लिए कौन सा रीति रिवाज है? लोग कहते हैं कि इस दिन खाना नहीं खाना चाहिए, इस दिन ये नहीं करना चाहिए, इस दिन वो नहीं करना चाहिए। तो आप सबको इन चीजों में नहीं फंसना है। यदि आप अपनी शिक्षा को, अपने ज्ञान को, बुद्धि को, समझ को परमेश्वर के प्रति लाते हैं, तो आपको परमेश्वर बहुत सारा ढेर सारा प्यार आपकी जिंदगी में देगा। आपके जीवन में हर प्रकार की, हर एक फील्ड में परमेश्वर आपको खुशियां देगा। जो भी आप काम करते, नौकरी करते, जॉब करते, बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आप छोटा से लेकर के बड़ा काम करते हैं, खुदा आपको संभालेगा। आप बाहर रहते, विदेशों में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं आप, खुदा आपके जीवन को छूने पाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियों, क्योंकि परमेश्वर, यदि आज आप वचन को नहीं सुनेंगे तो आपके अंदर विश्वास नहीं आएगा। विश्वास नहीं आएगा तो आप प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी जिंदगी को मजबूत करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा कि दोष मत लगाओ। आज हमें क्या जरूरत है किसी के ऊपर दोष लगाने की? आप देखते होंगे मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो एक दूसरे ऊपर आरोप लगाते हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अपना जीवन देखिए, वो सब अपना देखेंगे, वो अपना करेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनके लिए प्रार्थना करो लेकिन अपने काम से काम रहो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जो उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है, वो विश्वास में खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ जाने, न खाने वाले को और न जो खा रहा है उसको कभी भी तुच्छ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो उसकी इच्छा है। क्योंकि परमेश्वर हमको यही सिखाता है, क्योंकि मैं तेरे जीवन में हर एक काम करूंगा। आज आपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना किया है, परमेश्वर को स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, आज अपने जीव से अंगीकार किया कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी में काम करेगा, मेरे जीवन में हर प्रकार छुटकारा देगा, तो आप सबसे अलग हो चुके हैं संसार में। इसलिए संसार के लोगों से मतलब रखिए, लेकिन उतना मतलब न रखिए जितना पहले रखते थे। हालेलुया, क्योंकि आज ये संसार के लोग हैं जो आपसे बैर रखते हैं, आपसे नफरत करते हैं। यदि आपके जीवन में कुछ खुशहाली है, आप हंस कर रहते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि वो दुखी है, वो परेशान है। लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप उसे वचन बताइए। जब परमेश्वर आपको खुशहाली दे सकता है, आपके जीवन में खुशियां दे सकता है, आपको ताकत दे सकता है, आपको पावर दे सकता है, आपको धन दौलत शोहरत नाम में हर एक चीज में परमेश्वर आपकी मदद कर सकता है, आपकी घटी और कमी में पूरा कर सकता है, तो क्या उसके जीवन में नहीं कर सकता है? उसका भी जीवन बदलेगा। लेकिन उससे कहिए कि आप जलन मत रखिए, आप मत घबराइए, खुदा है, खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको आशीष देगा। आप अपने लिए से ज्यादा दूसरों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम तो बच गए हो, उनको बचाओ तो मैं तुम्हें और आशीष दूंगा, और बरकत दूंगा, और तुम्हें छुटकारा दूंगा हर प्रकार की समस्या से, हर प्रकार की। आज जो घबराए हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, बहुत सारा दुखों में पड़े हुए हैं, आज रोते हैं, आंसू बहते हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, आज मैं चिंता में डूबा हूँ, कुछ नहीं, आज के बाद आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि हर एक जीव
परमेश्वर का अंगीकार करेगी। जब आज हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक जीव परमेश्वर का अंगीकार करेगी, तो आपने किया क्योंकि खुदा आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर के वचन से आप प्रेम रखिए। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना है। आज जितने सारे विश्वासी लोग हैं, आज खुदा आपकी जिंदगी में आपको आशीष देने के लिए परमेश्वर आया इस सृष्टि में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद करें। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इसमें सोच रहे हैं। परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जे यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए। इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए। अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह
मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वास दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। पिता परमेश्वर, कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धार करता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आप घबराइए मत, आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा, आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है, हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए, जितने मेरे बहने हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, सत्कलम, 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 सत्कलम से यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए, पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को छू, पिता परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं, आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा इनके घर से, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाड़ विषाड़ निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाड़ विषाड़ निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन,
आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटी के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों नहीं हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से, अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। विदा परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन।